नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भीलवाड़ा लोकवाणी में पुलिस के द्वारा अवैध शराब पकड़ने के बाद ढाबे पर बेचने का एक बड़ा मामला सामने आया है। खुलासा तब हुआ जब आबकारी विभाग की टीम ने हाईवे किनारे एक ढाबे पर दबिश देकर पुलिसकर्मी द्वारा बेची गई शराब जब्त कर ढाबा संचालक और उसके कर्मचारी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आबकारी विभाग ने ढाबा संचालक को शराब बेचने वाले और थाने के इस पुलिसकर्मी को भी नामजद करते हुए केस दर्ज कर लिया है। इसकी जानकारी भी पुलिस को दे दी गई है। देखिए क्या है मामला, पूरी खबर भीलवाड़ा लोकवाणी। हेलो, कल रात्रि में हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 64 योगिनी 52 भेरू नामक ढाबा है, उस ढाबे का संचालक राहुल मालावत वो अवैध रूप से शराब का व्यवसाय कर रहा है। मुखबिर की सूचना पुख्ता होने के कारण तत्काल हमारी टीम मौके पर पहुंची उस ढाबे पर 64 योगिनी 52 भेरू और वहां पर दबिश दी। तो दबिश के दौरान वहां पर हेवर्ड्स ट्यूबर और ऑयल स्टेक के शराब हमें प्राप्त, बियर और शराब प्राप्त हुई जो फॉर सेल इन हरियाणा और पंजाब थी। पूछताछ की तो राहुल मालावत ने बताया कि ये हमें पूर थाने का सिपाही है हनुमान जाखड़, वो हमें यहाँ लेके गए थे। 1000 रुपये में पेटी जो है वो हमें बियर दी थी और 2500 रुपये पेटी से उसने हमें बियर ऑयल स्टेक दी थी। ये हमने जब्त कर ली और अग्रिम जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। इस बाबत जो है उच्चाधिकारी को हम लोगों ने सूचित कर दिया है। देखें भीलवाड़ा लोकवाणी की विशेष खबर। हाईवे पे जितने भी ढाबे हैं वहाँ पे इस तरह की अवैध शराब को लेकर गतिविधियाँ ज़्यादा होती है, उसको लेकर आपका विभाग क्या कदम उठा रहा है? हम लोग लगातार रेड और गश्त करते रहते हैं और उन पर यदि ऐसी कोई अवैध गतिविधि पाई जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। और आज से मैंने और पाबंद कर दिया है कि लगातार मॉनिटरिंग करते हुए प्रत्येक ढाबे पे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की शराब से संबंधित अवैध गतिविधि नहीं हो, क्योंकि यदि इस तरह की गतिविधि होती है तो इससे वहाँ पर किस प्रकार की शराब बिक रही है इस बारे में कोई भी हम पुख्ता नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। और इससे हमें स्टेट को लॉस होता है, रेवेन्यू लॉस होता है और कभी कोई बड़ी कैजुअलिटी या हादसा होने की भी संभावना रहती है। तो पूरी टीम को हमने पाबंद कर दिया, आज से ही हमारा अभियान लगातार चलता रहेगा। तो क्या जैसे भी जो राहुल ने बताया है कि इसमें पुलिस थाने का जो कांस्टेबल वो भी इन्वॉल्व है, तो आपका इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोगों ने उसके जो है इन्वॉल्वमेंट के उसके FIR में हम लोगों ने ले लिया है। श्रीमान SP साहब को भी हमने सूचित कर दिया है और अब हम लोग आगे की तफ्तीश करेंगे कि ये जो प्राप्त हुए हैं ये इसके जो इन्होंने पकड़ा है उसके और इनके बैच नंबर के आधार पर इस बात को और पुख्ता करेंगे कि इसमें कितनी किस रूप में वो उनका इन्वॉल्वमेंट है। आपका नाम? मैं लोकेश जोशी, जिला आबकारी अधिकारी भीलवाड़ा। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भीलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखे ताजा खबरें आपके मोबाइल पर, देखे न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम।